हेलो फ्रेंड्स, मैं ओजेशान और आप देख रहे हैं नॉइज़ टेक। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिक्ट के EE P01 हेडफोन्स की। तो फ्रेंड्स, ये हेडफोन आपको आते हैं 400 रुपये में, जो कि अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। ये हेडफोन्स हमने लिए था अंडर 400 रुपीज़ में, जो हेडफोन्स आते हैं उससे कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन मैं ये हेडफोन को उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस लायक ही नहीं है। अगर आपको उस वीडियो का कंपैरिजन देखना है तो आपको ऊपर आई कार्ड में वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, आप कंपैरिजन कर देख सकते हैं और बेस्ट हेडफोन आपके लिए परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। ये हेडफोन्स आते हैं 400 रुपये के, लेकिन जब मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी देखता हूँ तो इससे देख के ऐसा नहीं लगता है कि 400 रुपये के हेडफोन्स हैं। उससे बहुत ज़्यादा कम क्वालिटी के, जो आपको नॉर्मल जो आ जाते हैं 100-200 रुपए के, उस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है हमको। और अगर हम ईयर टिप भी देखें तो वो भी कुछ ज़्यादा इतनी स्टाइलिश नहीं है, और वो प्लास्टिक की है। अगर आपको और अगर आप दूसरे को हेडफोन देखते हो तो आपको इससे ज़्यादा अच्छे और स्टाइलिश भी आपको ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें हेडफोन जैक की तो ये गोल्ड प्लेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा ये एल शेप भी नहीं है। तो अगर जब भी आप नॉर्मली अगर इसको यूज़ करोगे तो हो सकता है कि यहाँ से टूटना शुरू हो जाए कुछ दिन बाद। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसको क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो इसमें बोला जाता है कि पावरफुल बेस आपको मिल जाता है। लेकिन मैंने इसे कंपेयर किया रियलमी से और रेडमी से, दोनों के कंपैरिजन में। दोनों भी 400 रुपए के हेडफोन थे, मैंने उससे कंपेयर किया, लेकिन उस जैसा साउंड बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे नहीं मिला। तो मैं तो ये बिल्कुल बोलूँगा कि पावरफुल बिल्कुल भी बेस इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। इसका साउंड पूरा फ्लैट है, ना आपको इसमें बेस है ना साउंड है। और जो नॉर्मल जो आपको सस्ते जो चीप जो हेडफोन्स आते हैं 100-200 रुपए वाले, उसके अंदर तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड मिल जाता है, लेकिन वैसा भी साउंड इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। और मान लीजिए आप इसके अंदर कोई सॉन्ग सुन रहे हो, तो आप सॉन्ग सुन रहे हो और अगर आपसे कोई पर्सन अगर बात कर रहा है तो आप उसकी आवाज़ भी इजीली सुन सकते हो, इतना इसका लो साउंड है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ रियलमी और रेडमी से, अगर मैं अज्यूम करूँ कि वो 100% है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका साउंड 70% है। और इसमें यहाँ पे आपको माइक के साथ साथ एक मल्टी फंक्शन बटन मिल जाती है, जिससे आप अपना म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो और कॉलिंग भी कंट्रोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने ये हेडफोन्स का रिव्यू क्यों किया और ये एडिक ब्रांड मैंने क्यों लिया। मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शन थे, मैं उसका रिव्यू कर सकता था। बॉट का सब ब्रांड है, इसी वजह से मैंने इसे परचेज किया। मैंने सोचा कि बॉट की सब ब्रांड है तो हो सकता है कि इसका साउंड क्वालिटी या इसका परफॉर्मेंस या ये हेडफोन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मुझे देख के ऐसा नहीं लगा कि ये बॉट का सब ब्रांड प्रोडक्ट है। और आपको 400 रुपये में और भी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको वाकई में जानना है कि आप 400 रुपये में कौन सा हेडफोन ले सकते हो, तो आपको आई कार्ड में वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ पर हमारा कंपेरिजन देखिए और बेस्ट हेडफोन आप आपके लिए ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड का शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।